हाय गाइस, सो पहले वाले वीडियो क्लिप में आपने देख लिया होगा इस मोटर को कितना ज्यादा प्रेशर है। और इस मोटर की खास बात तो यह है कि यह बहुत ही कम वोल्टेज में चल जाता है। सो ये 6.5 इंची का बोरवेल है जो कि 220 फुट गहरा है और इसमें मोटर हम फिट करेंगे 200 फीट पे। 20 फुट हम इसे खाली रखना होता है ताकि इसमें जो गाल वगैरह गिरता है उसके लिए हमें जगह रखनी होती है। सो अगर आपने अपने घर पर बोरवेल किया और फिट करना चाहते हैं, फिर अच्छा सा मोटर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मोटर भी बताऊंगा और साथ ही फिटिंग कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए पहले हम सामान देख लेते हैं क्या क्या आपको लगता है। तो यहाँ पे आपको लेना होगा 1 इंची HDPE पाइप। ये देखिए 1 इंची का आपको यूज करना होता है सिंगल फेस मोटर यानी घरेलू मोटर के अंदर। तो आपको ये जो ब्लैक वाला पाइप दिख रहा है HDPE पाइप बोलते हैं, जो कि 1 इंच का आता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना होगा केबल, जो कि हमारे मोटर के साथ में जो केबल आता है उसको ज्वाइन करना होता है। तो ये 2.5 स्क्वायर mm का आता है। इसके अंदर तीन आपको वायर यानी कि तीन कोर आते हैं। इसके अंदर तीन वायर आपको देखने को मिल जाते हैं, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, तो आपको ये केबल ले लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे रस्सी लेना है 8 mm की। देखिए बहुत से लोग रस्सी नहीं डालते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा रस्सी आप डालो। अगर इन फ्यूचर मोटर फंस जाता है आपका तो निकालने के लिए बहुत ही आसानी होती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। तो इसमें कंट्रोल पैनल जो है दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है MCB वाला और एक आता है इसके अंदर स्टार्टर, यानी कि जो अंदर स्टार्टर डुअल स्टार्टर लगा होता है। तो ये वाला जो है ना डुअल स्टार्टर वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यही वाला लो। चलिए मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूं उसको अंदर से। और साथ ही इसमें तीन कैपेसिटर आती है, 236 नंबर की कैपेसिटर आएंगे इसमें, 236 की कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर आएगा। ठीक है, आप देखिए ये है हमारा मोटर सुपर फ्लो का। जो ये मोटर है ना बहुत ही बेस्ट होता है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ये मोटर मिलता है आपके मार्केट में तो आप वही डालो निकाल के, यानी कि ढूंढ के। तो देखिए ये जो मोटर है ना बहुत ही कम वोल्टेज में चलता है और इसका जो HP वगैरह वो भी दिखा देता हूँ मैं। 1 HP का ये मोटर है और 15 स्टेज है और ये जो है ना बहुत ही कम वोल्टेज में चलता है और इसका जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। ये तो मेरा तो फेवरेट मोटर, मैं तो बोल ही नहीं सकता आपको। अब वो आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ये वाला मोटर सुपर फ्लो नाम है इस मोटर का यानी कंपनी का। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको जो चिल्लर सामान यानी कि बारीक चीज क्या क्या लगता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये कच्चा रबर चाहिए होगा जो हमारे मोटर का वायर आता है उसको ज्वाइन करने के लिए और हमारे केबल को ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ ही आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक टेप चाहिए होंगे। तो देखिए मैंने ये भी ले रखा है, आप कोई भी कंपनी के ले सकते हो, उसमें कोई आपको वही नहीं है कंपनी ये चाहिए वो चाहिए, आप कोई भी इलेक्ट्रिक टेप ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में देखिए ये हमारा छोटा सा रस्सी का बंडल जो कि हमारे वायर बांधने के लिए काम में आएगा, तो आपको ये भी ले लेना है, इसके टेकन वगैन बंडल बोलते हैं। उसके बाद में देखिए ये है बोर कैप। तो ये जो है ना बोर कैप 7 इंची बोर कैप है, क्योंकि हमारा जो बोर है वो 6.5 इंची साइज का है। अगर आपका बोरवेल जो कम साइज का यानी कि 4.5 का, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से बोरवेल की साइज जो है कम ज्यादा कर लेना। यहाँ पे मेरा बड़ा बोरवेल है तो यहाँ पे मैंने जो है बड़ी वाली कैप लाया 7 इंची की। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको लेना होगा एक क्लैम जो कि 1 इंची का है। उसके बीच में जो साइज दिख रही है गोलाई वो 1 इंची की है, तो आपको एक क्लैम लेना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे SS निप्पल लेना है दो, ये जो इसकी लंबाई है वो 8 इंची है और जो गोलाई है वो 1 इंची है। ठीक है, तो 1 इंची का हमारा निप्पल है जिसमें हमारा HDPE पाइप जो है वो बैठेगा, वो भी 1 इंची का ही है। ओके, तो आप देखिए ये है हमारा GI का एल्बो, तो आपको ये भी लेना होगा। लोहा का मतलब यानी कि GI का एल्बो मिलता है, GI उसको बोलते हैं लोहे वाले एल्बो। उसके बाद में ये देखिए होस निप्पल GI की आपको लेना है 1/1 की। ठीक है, यानी कि ट्रेड में एक की रहेंगे और उधर पौन की रहेंगे। उसके बाद में आपको देखिए ये लेना है नॉन रिटर्न वाला। नॉन रिटर्न आपको लगाना जरूरी है ना, तो आपका जो पानी है वो अंदर को जाएगा टाकी में का। तो देखिए ये है ब्रास का नॉन रिटर्न वाला और यहाँ पे इसमें आयरो वगैरह लग रहता है, वो सब आपको बता दूंगा आगे कैसे लगाना है। तो अब देख लीजिए इस तरह का ये वाल आता है नॉन रिटर्न वाल। उसके बाद में आपको लेना होगा GI की एक्स निप्पल जो कि दोनों साइड से आपको ट्रेड मिलेंगी, तो ये भी आपको देख लेना है। और साथ ही आपको यहाँ पे लेना होगा दो बोल्ट। ये वाले जो बोल्ट देख रहे हो ना हमारे जो निप्पल है SS निप्पल, उसके बीच में ये जो होल दिख रहा है, पाइप बिठाने के बाद में हमें जो है बोल्ट लगाना होता है ताकि हमारा पाइप बाहर ना निकले। उसके बाद में आपको यहाँ पे टेफ्लॉन टेप लेना है और वहाँ पे देखिए ये टेफ्लॉन टेप के बाद में आपको दो और बोल्ट लेना होगा, ये मोटे वाले जिसके साथ में नट भी है 20 नंबर 21 नंबर के नट आते हैं, तो ये देखिए हमारे क्लेम के अंदर लग जाएंगे। सो अब मैंने आपको पूरा सामान बता दिया क्या क्या लगता है। चलिए हम ये जो है हमारा मोटर है उसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, यानी कि इसकी जो रैपिंग है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरे इसके जो पट्टियाँ वगैरह सब काट लेता हूँ, यहाँ पे पूरी इसकी जो पैकिंग है पूरी उतार देते हैं नीचे। और ये मोटर तो भाई बहुत ही बेस्ट है, हमारे जो गाँव है ना इसमें बहुत ही कम मिलता है, यानी कि 100 ग्रेक आएंगे ना तो उसको एक आधे को ही मिलता है ये मोटर, इतना बेस्ट है। इसलिए तो मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये मोटर हमेशा नहीं आता है। अब देखिए इसके अंदर जो है ना आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, तो ये आपको उठा के रख लेना है, अपने दुकानदार से साइन वगैरह करा के ले लेना। उसके बाद में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे एक बैग भी देती है, वो अच्छी क्वालिटी का बैग दिख रहा है मुझे। और ये हमारा जो मोटर ना दो पार्ट में आपको मिल जाएगा, एक में मोटर आता है और एक में जो है हमारा पंप रहता है, यानी कि ये अलग अलग होते हैं, हमें इसे जो जुड़ाना होता है। तो चलिए मैं एक बार इसे मोटर को आपको दिखा देता हूँ, उसका HP वगैरह लेबल में क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 1 HP 15 स्टेज, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 HP का ये पंप है, ये भी कंफर्म आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑयल गर्म करना है। ये जो ऑयल है ना हमारा, ये बाइक में का निकला हुआ ऑयल रहता है सर्विसिंग करने के बाद में, तो इसमें जो है डुबा के हम पाइप बिठाते हैं। तो कैसे बिठाना है देख लीजिए, ये हमारा जो है HDPE पाइप है और इसमें जो है हमें HDPE पाइप को गर्म करना होता है। उसके बाद में जो हमारी SS निप्पल है उसी के अंदर ये बैठता है। और साथ ही मेरे हाथ में जो पट्टी देख रहे हो ना आप, यानी कि जो औजार है वो आपको भी लेना होगा, सॉरी औजार बोल रहा हूँ मैं, तो वो आपको भी लेना होगा ताकि हमारा जो सामने ये मुँह है इसको थोड़ा सा हम फैला सके। इसको हम फैलाएंगे तभी हमारा जो SS निप्पल है वो देखिए कुछ इस तरीके से बैठेगा। और इस पर आपको थोड़ा सा आपको प्रेशर डालना है तो आपका जो HDPE पाइप है वो अपने जो हमारा निप्पल है उसके अंदर बैठ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कपड़े के जरिए जो बाकी का ऑयल है ऊपर लगा हुआ, हम वो जो है पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना होगा एक स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पे जो हमारा होल रहता है वो आपको यहाँ पे करना है, यानी कि जो हमारा बोल्ट का होल आता है। और देखिए इसमें पानी नहीं अड़ता है, मुझे बहुत सारे पहले वाली वीडियो में कमेंट आते हैं कि हमारे बोल्ट डाल रहे हैं तो इसमें पानी वगैरह अड़ता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पानी आपका नहीं अड़ेगा इसमें, आप बोल्ट यहाँ पे जो है डाल सकते हो, ताकि हमारा पाइप सटके नहीं, इसलिए हम जो यहाँ पे बोल्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे इसका मैं नट लगा देता हूँ, इसको जो है बाद में टाइट करना, अभी टाइट नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने एक साइड जो है पाइप का बिठा दिया, अब हम क्या करते हैं दूसरे वाले साइड को लेते हैं, सेम इसी तरह से बिठाना है। अभी देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है पाइप कैसा बिठा रहा हूँ मैं, तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं पाइप कैसे बिठाते हैं ये वाला HDPE पाइप, तो उस वीडियो पर क्लिक करके आपने देख लेना, और वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाइप गर्म हो गया, हमारे जो पट्टी है उसके जरिए हमने यहाँ पे इसको थोड़ा फैला दिया है, ओके। फिर से हम दोबारा यहाँ पे SS निप्पल डालेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे और हमारा जो SS निप्पल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा। जो इसके ऊपर ऑयल लगा है हम कपड़े के जरिए साफ़ कर लेंगे। अभी देखिए हमें जो है साफ़ कर लिया, उसके बाद में इसमें होल लगा देंगे और फिर हमारा जो बोल्ट है वो लगा के नीचे से इसका जो नट है वो लगा देंगे। और अभी जो है हमको ये ध्यान रखना है इसमें नट नहीं कट, यानी कि बोल्ट नहीं टाइट करना है। देखिए दोनों भी कितने अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से बैठे। चलिए इसे हम साइड रख लेते और जो हमारा ये औज़ार है उसे साफ़ कर लेते, सॉरी औज़ार नहीं, हमारा जो ये है पट्टी जो है इसे साफ़ कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारी क्लेम है ना, इसको अलग करना होता है, तो उसमें जो जो दो जॉइंट लग रहे थे, यानी कि वेल्डिंग के जॉइंट लग रहे थे, तो आप क्या करें यहाँ पे छेनी ले लीजिए और इस तरह से इसमें देखिए गैप में रखिए, ऊपर से हैमर के जरिए यानी कि हथौड़े के जरिए ठोकना है आपको, तो ये जो है अलग हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए दोनों भी अलग हो गए। अभी हम जो है ऊपर वाला मुंह बना लेते हैं, उसके लिए हमको देखिए यहाँ पे ले लेना है टेपलॉन टेप और साथ ही हमारी जो बोर कैप है। देखिए बोर कैप आपको मैंने पहले बता दिया, अपने बोर के साइज़ के हिसाब से लेना है, अगर आपका बड़ा बोर है तो बड़े उस हिसाब से लेना है, 4 का बोर है तो 5 इंची आपको कैप लेना होगा। उसके बाद में देखिए टेपलॉन टेप हमें जो है थ्रेड के ऊपर लगा देना अच्छी तरीके से, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, नॉर्मल मीडियम साइज़ में लगाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना होगा ये बारीक चीज जो भी सामान है, चलिए इसे हम जो है असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स निप्पल जो दिख रही है, ये इसे एक्स निप्पल बोलती है GI की, तो इसके दोनों साइड में थ्रेड होते हैं, तो हम दोनों साइड के थ्रेड पे जो है हम यहाँ पे इसका जो है टेपलॉन टेप को लगा देते हैं। और आपको टेपलॉन टेप इतना लगाना है जैसा कि हमारा जो सिर्फ पानी वगैरह जो है लीकेज ना हो, ज़्यादा भी नहीं लगाना है आपको, ज़्यादा लगाऊंगे तो भी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि ज़्यादा लगा दूंगा तो पानी नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लगाना है। उसके बाद में आपको देखिए एल्बो लेना है और जो एक्स निप्पल है GI का जो हमारा उसको आपको मिला देना है। उसके बाद में आपको देखिए लेना है नॉन रिटर्न वाला, इसका एरो जो है इधर साइड में रखना है और कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, एरो का ध्यान में आपको रखना है, मैं और एरो बता दूंगा आपको किस किस साइड रखना है, तो आपका पानी अड़ जाएगा वहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे लेना है हाउस निप्पल जो कि हमारी एक बाय पौन की है, ट्रेड में एक में आती है वो, और जो उधर से पाइप हमारा लगेगा वहाँ से पौन में आती है, और इसको जो है हमें इसके आगे लगाना है हमारा जो नॉन रिटर्न वाले उसके वाले ट्रेड में। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये फिट हो जाता है, और एरो को देखिए आगे की तरफ आपको रखना है, अगर आपने उल्टा लगा दिया एरो तो इधर आपका जो है पानी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो है SS निप्पल वाली पाइप लेना है, यानी कि जो और उसके अंदर हमारा जो है एल्बो है इसे फिट कर देना है। अभी हाथ से आपको जितना फिट होता है उतना फिट कर लीजिए, बाद में जो है हम इसको पानी से टाइट कर लेंगे। तो अभी देखिए मैं जितना अपने हाथ से फिट करते आता है मुझे उतना मैं ताकत से फिट कर लेता हूँ, बाकी मैं इसे जो है बाद में पानी से फिट कर दूंगा। अब आपको देखिए ये हमने जो मैंने आपको बताया था, हमने जब ये पाइप बिठाया था SS निप्पल में, तो ये देखिए हमने नट को नहीं कसा था, यानी कि बोल्ट को नहीं कसा था, तो चलिए हम इसको जो है बोल्ट को नट को टाइट कर लेते हैं। आपको कभी भी जो है ना बाद में टाइट करना चाहिए, नहीं तो हम जो ऊपर GI का एल्बो लगाते हैं ना तो उसका मुंह थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो वहाँ पे जो है फिट करने में प्रॉब्लम आता है, इस वजह से मैंने इसको पहले टाइट नहीं किया था। और उसको टाइट इतना भी नहीं करना है कि ताकि हमारा जो वो जो है टूटी जाए, नॉर्मल मीडियम साइज़ में कोई भी चीज़ को आप कसा करो, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए हमारा ये बन गया, लेकिन लास्ट में एक क्लैम लगाना रह गया। तो देखिए क्लैम हमारा जो है ना मोटर को अंदर जाने से बचाता है कभी अगर सटक वटक गया, तो यहाँ पे देखिए आपको लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए इसका बोल्ट है दोनों भी, तो यहाँ पे मैं बोल्ट का पहले इसको यानी कि नट है वो खोल देता हूँ, उसके ऊपर भी देखिए बोल्ट हमने डालना है कुछ इस तरीके से आड़ा, और उसके ऊपर जो है नट लगा देना है। सेम उसी तरीके से दोनों साइड में आपको दो बोल्ट यहाँ पे लगा देने हैं। यहाँ पे 4 होल मिलते हैं, लेकिन आपको 4 बोल्ट नहीं टाइट करना है, 2 से आपका काम चल जाएगा, 4 अगर आप टाइट करोगे तो आपका निप्पल वो टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी पाने आपके इसमें लगते हैं वो ले लीजिए। यहाँ पे मेरा 20-21 नंबर का पाना लग रहा है, यहाँ पे मैं 20-21 नंबर के पाने से इसे जो अच्छी तरीके से टाइट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा, मीडियम साइज़ में टाइट करना है। आप देखिए ये जो हमने जो ऐप नोट रिटर्न वाल एक्स निप्पल या हमने जो हॉस निप्पल लगाया था उसको इस वाले पानी के जरिए टाइट कर लेना, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे टाइट करता है। आप देखिए जो दूसरे वाला मुंह बचा है उसके ऊपर पहले आपको टेफ्लॉन टेप लगा देना है थ्रेड के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा नीचे दिख रहा होगा आपको पंप, तो पंप के अंदर इसको जो है हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर टेफ्लॉन टेप अच्छे तरीके से लगा दिया इस निप्पल पे। उसके बाद में देखिए ये हमारा पंप है, ये पंप के सामने आपको प्लास्टिक के कुछ इस तरह से पैकिंग मिल जाएंगे, इसको आपको खोल देना है, और उसको निकालने के बाद में जो हमारे SS निप्पल और थ्रेड का मुंह है आमने सामने मिलाना है कुछ इस तरीके से, और फिर एक बंदे को बोलना है कि भाई आपको पंप को घुमाना है यानी कि कसना है, टाइट करना है उसमें।
अब जितना अपने हाथ से होता है पहले उतना टाइट कर लीजिए, बाद में फिर हम जो है पानी के जरिए से टाइट करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, देखिए कई बार ज़्यादा टाइट करने के चक्कर में टूट जाता है यहाँ पे, तो आपको दो पानी का कभी भी यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पे अगर करें भी तो थोड़ा हल्का सा टाइट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पानी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक मैं एक साइड से स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करूँगा ताकि इसमें ज़्यादा ताकत ना लगे और सामने का जो मुँह है वो टूटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे एक मैंने पेचकस डाल दिया यानी कि स्क्रू ड्राइवर डाल दिया है, और देखिए इधर साइड से मैं टाइट कर रहा हूँ उसको। इससे भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, लेकिन पानी का अगर यूज़ करूँगा ना तो टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा पाना दो साइड में यूज़ नहीं करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको कस लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो पंप के अंदर ऐसे स्निप्पल है वो टाइट कर दिया है। अब ये टाइट करने के बाद में हमारा जो पंप है उसको सीधा कर लेना है, आपको खड़ा कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है पंप को खड़ा कर देता हूँ। फिर हमें जो यहाँ पे लेना है 13 नंबर के दो पाने लेना है, और जो हमने यहाँ पे जो बोल्ट लगाया था ऐसे स्निप्पल के अंदर, ये वाला आड़े वाला, इस बोल्ट को हमें जो है टाइट करना है। तो अभी मैं एक साइड से प्लायर्स के जरिए पकड़ लेता हूँ और एक साइड से जो है पानी के जरिए से टाइट करता हूँ। इसको भी ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है, मीडियम साइज़ में रखना है। जो भी आप नट कसते हो उसको मीडियम साइज़ में टाइट करना है आपको। ओके, आप देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमें जो है इस मोटर को, अभी इस मोटर के अंदर हमें पानी वगैरह डालना है सब कुछ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी रैपिंग वगैरह निकाल देता हूँ। उसके देखिए पॉलीथीन लगी हुई थी इसके ऊपर रैपिंग, तो पॉलीथीन मैंने निकाल दिया। ये देखिए हमारा केबल है, जिसको हमारा जो ऑरेंज वाला केबल दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, आपको उसे जो है हमें ज्वाइन करना है। तो पहले इसके अंदर क्या क्या करना है वो देख लीजिए। थोड़ा मोटर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे आप गलती कर दोगे अगर आप जो भी मोटर परचेस करके लाओगे। तो पहले मैं इसको जो है इसके बोल्ट नट वट निकाल देता हूँ। देखिए पूरे नट निकाल दिया है, और ये जो आपको रेड कैप दिख रही है ना, इसके अंदर हमारी चाबी लगी रहती है। तो पहले मैं स्क्रू ड्राइवर के जरिए कैप को हटा लेता हूँ। इसके अंदर चाबी लगी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह की चाबी होती है। आप देखिए जैसे ही मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक चाबी। ओके, तो ये लॉक रहता है बेसिक, तो ये जो बेसिकली यहाँ पे लॉक लगा रहता है, तो ये लॉक को आपको संभाल के रखना है, घमाना नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए एक ब्रश के दो यानी कि दो ब्रश के नट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ओपन कर देने हैं, और यहाँ पे आपको दो होल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे जहाँ से हमने वो नट को हमने आपसे स्क्रू को ओपन किया है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए पानी डालना है, क्योंकि हमने ये मोटर खरीदा है तो ये वाटर प्रूफ है, यानी कि इसके अंदर जो आता है ये वाटर फिल्ड वाइंडिंग आता है, तो इसके अंदर हमें जो वाटर यानी कि पानी डालना होगा। आप देखिए यहाँ पे मेन बात आपको बताता हूँ, आप जब भी दुकान पे परचेस करने जाएंगे तो आपको दो टाइप के मार्केट में मोटर मिलेंगे, एक तो आती है वाटर फिल्ड और एक आती है ऑयल फिल्ड, ठीक है ना। तो आपको ऑयल फिल्ड जो है कभी भी नहीं खरीदना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। आप कोशिश करें कि वाटर फिल्ड लो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखिए पानी डाल रहा हूँ इसके अंदर, पानी इसके अंदर मोटर के अंदर बैठता है। सेम इसी तरह से एक मोटर आती है जिसके अंदर ऑयल बैठता है, ठीक है ना। तो ऑयल वाली आपको ज़्यादा करके इनको इग्नोर ही करना है, ठीक है, ज़्यादा करके आपको जो है वाटर वाली ही खरीदना है, ये जो है बेस्ट होती है वाटर प्रूफ वाली। आप देखिए जब भी मोटर ओपन कर लोगे, जो भी आपने लाया वाटर वाली, तो उसमें आप वाटर डाल दीजिए यानी कि पानी डाल दीजिए, जिससे हमारा जो वाइंडिंग अंदर वो ठंडा रहता है, इस वजह से हमें इसके अंदर पानी डालना होता है। इसके बुशिंग वगैरह को भी पानी लगता है घूमने के लिए, तो आप इसमें जो है पहले पूरा पानी फिल कर देते हैं। और इसमें वाटर फील्ड भी आती है, मुझे पूछते हैं वाटर फील्ड लेना है मोबाइल ये मोटर क्या ऑयल फील्ड, तो मैंने आपको बता दिया आप जो यहाँ पे वाटर फील्ड ही लो। उसके बाद में देखिए हमारे जो दोनों जो ब्रश के स्क्रू थे वो आपको वापस से वो होल में लगा देना है जहाँ से हमने पानी डाला था, और दोबारा से उसको जो है टाइट कर देना है। अब इसमें हमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी इसके अंदर जमा हो गया। अब ये होने के बाद में देखिए इस मोटर का ये केबल है जिसके अंदर हमें तीन वायर मिल जाती है, तो हमें जो है इसे ज्वाइन करना होगा इस केबल के साथ में जो हमने केबल लाया है। आप चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे किस तरह से ज्वाइन करना है। तो मैंने दोनों को छील दिया यहाँ पे, दोनों में अलग अलग आपको वायर देखने को मिलते हैं। देखिए तीन अलग अलग कलर के वायर देखने को मिलते हैं, जो ब्लैक वाला है मोटर की तरफ से आ रहा है, जो ऑरेंज वाला है हमारा, ये हमारा जो वायर लाया हमने उसका है। और इसमें आपको तीन कलर देखने को मिलेंगे, रेड येलो और ब्लू। तो ये आपस में आपको कलर कोड के हिसाब से ज्वाइन करना है, किस तरह ज्वाइन करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों वायर को ज्वाइन किया है, और वो भी आगे पीछे ज्वाइन किया है। आपको ये बात का ध्यान रखना है, कभी भी तीनों ज्वाइन को आपस में एक साथ ज्वाइन नहीं करना है, आपको आगे पीछे रखना है, ताकि हमारा कभी वायर ज्वाइन का गर्म भी हो तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इस तरह से आपको आगे पीछे ज्वाइन लगाना है। उसके बाद में देखिए ये प्याज रबर टेप यानी यहाँ पे जो हमारा कच्चा रबर और टेप है आपको वो लगा देना है। तो देखिए मैंने पूरे यहाँ पे ज्वाइन को कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए अगर ये ज्वाइन आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आप पूरा आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताया था। ओके, आप देखिए हमारा मोटर फिट करने के लिए रेडी है, यानी कि हमारा नीचे मोटर आता है और ऊपर हमारा पंप रहता है, तो हम दोनों को आपस में फिट करते हैं। तो आपको ये देखिए चाबी मैंने आपको जो बताया था लॉक, आपको कुछ इस तरह से लगा देना है, ये आपको भूलना नहीं है। अगर ये मिस हो गया तो समझो अपना मोटर खत्म। ओके, तो ये देखिए आपको ये भूलना नहीं है। उसके बाद में
ये जो है ना हमारा पंप कुछ इस तरह से आपको लगाना होगा, तो इसके भी अंदर आपको गाला मिल जाएगा चाबी का, वो तो आपको मैच कर लेना है। फिर आपको एक पेचकस के जरिए चाबी को पकड़ के रखना है ताकि गिरे नहीं। देखिए कितनी स्मूथली हमारा जो ये पंप है वो बैठ गया। अब यहाँ पे आपके जो है चार नट आपको मिलते हैं, और यहाँ पे चाबी देख लीजिए, चाबी आपको दिख रहा होगा, चाबी हमारा अंदर गया है पता चल गया। अब यहाँ पे आपको देखिए चार नट आपको देखने को मिलते हैं, तो चारों नट को आपको जो है आपस में चारों नट आपको जो है चारों इसके बोल्ट में लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। और आपको यहाँ पे पहले अपने हाथ के जरिए जितना टाइट होता है यानी कि जितना कसे जाता है उतना पहले लगा देना है आपको, बाद में हम यहाँ पे जो है पाने का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स होती है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे सेटिंग आपको चेक करना है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं पानी के जरिए पूरे यहाँ पे टाइट कर दे रहा हूँ। अच्छी तरीके से सामान आपको कसना है, जैसे कि इधर का नट आपने टाइट किया, फिर उसके बाजू वाला नट टाइट किया, सामान आपको जो है नट टाइट करना है। ऐसा नहीं कि एक साइड का नट पूरा टाइट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। टाइट करने के बाद में आपको देखिए पेचकस के जरिए इस तरह का पिले देख लेना है, जैसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ इस तरह का आपका पिले होना चाहिए, यही सेटिंग है। अगर आपका ये पिले नहीं रहता तो आपका मोटर जाम चलेगा। और साथ ही आपको हाथ से घुमा के देखना है, जैसे कि मैं इसके अंदर उंगली डाल के देखिए घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए हाथ के जरिए घूम रहा है, इतना ज़्यादा ये फ्री है। और ऊपर और नीचे आपको पिले भी देख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसमें जाली मिल जाता है स्टील का, तो ये जाली भी हम इसमें लगा देंगे ताकि इसमें कंकर वगैरह जो भी है, गलाटा जो बोरवेल में है वो नहीं जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको लगाना होगा। इसके होल्स आते हैं यहाँ पे, यानी कि थ्रेड रहते हैं, और इसमें दो छोटे छोटे स्क्रू आते हैं। तो देखिए पहले छोटे वाला स्क्रू लगा देता हूँ उसके अंदर, उसके बाद में यहाँ पे जो है स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसके ज़रिए हमें जो है सर टाइट कर देना है। सेम उसी तरह हमारा जो है नीचे वाला एक स्क्रू मिलेगा, उसको भी आपको लगाना है, होल मैच करना है और टाइट कर देना है। इस तरह से हमारी जो स्टील की जाली वो फिट हो जाती है। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं यहाँ पे नायलॉन की जाली भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा नहीं यूज़ करो बारीक वाली, उससे क्या होता है प्रेशर कम हो जाता है। आपको स्टील की कंपनी ने जाली दिया ना, आप वही यूज़ करो। ओके, आप क्या करना है, आपको ये जो वायर हमारा लटक रहा है, देखिए कोई कोई मोटर में यहाँ पे स्ट्रिप दे देते हैं स्टील की, लेकिन यहाँ पे आपको ये बंडल लेना, ये वाला जो आपको मैंने बारीक वाली रस्सी बताया था नीले कलर की, वो आपको ले लेनी है। और आपको क्या करना है, देखिए इसके जरिए हमारा जो तीन ये जो केबल है इसको बांधना होगा। इसी के लिए हम जो यहाँ पे ये छोटी वाली रस्सी को यूज़ करते हैं, जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हो। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से गार्ड बनानी है और अच्छी तरीके से एकदम टाइट फिट करना है ताकि हमारा जो केबल है वो बाहर ना सटके। जैसा कि हम इसलिए फिट कर रहे हैं, जब भी हम मोटर अंदर डालते हैं ना तो हमारा वायर ढीला रह जाता है, तो हम अगर इसको फिट कर देंगे यहाँ पे तो हमारा वायर ढीला नहीं रहेगा और साइड से खरोच नहीं मारेगा, यानी कि वायर हमारा जो है सिंपली कहने का मतलब ये कि डैमेज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीन जगह आपको बांधना है, एक ऊपर, बीच में और सबसे नीचे। तो इस तरह से हमने बांध दिया। और फिर आपको यहाँ पे एक टेप का भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमारा जो टेप आता है उसको आप उसी के ऊपर लगा दीजिए हमने जो बांधा था, ताकि हमारा जो साइड में डालते हुए खरोचे के जरिए निकले नहीं बाहर। तो देखिए यहाँ पे एक टेप लगाना है आपको, बीच में एक टेप लगाना है, ऊपर टेप लगाना है, इस तरह से आपको लगा के छोड़ देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है हमारी रस्सी, और रस्सी का मैंने आपको बता दिया, रस्सी डालना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर इन फ्यूचर आपका मोटर फंस जाता है ना, तो ये रस्सी बहुत ही हेल्प करता है निकालने के लिए। कुछ बंदे नहीं डालते, बिना रस्सी के भी मोटर आप डाल सकते हो, लेकिन आपको निकालने के लिए प्रॉब्लम जाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा रस्सी आप डाल दो। और रस्सी सड़ता नहीं है, 100 साल भी नहीं सड़ता, क्योंकि प्लास्टिक है ये। ओके, अब देखिए ये हमको क्या करना है, रस्सी का एक मुँह ले लेना है, किस तरह बांधना, चलिए वही बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दो होल आपको नजर आ रहे होंगे, राइट में और लेफ्ट में मोटर के ऊपर पंप के पास में। तो आपको क्या करना है, पहले एक यहाँ पे इस तरह की गार्ड बनाना दें, देखिए पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे इस तरह की एक गार्ड बना दिया और अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए टाइट कर दिया। फिर आपको क्या करना है, नीचे एक और गार्ड बना देना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको देखिए तीन लूप मिल जाते हैं, मैंने रस्सी के तीन लूप बना रखा, तो इसमें तो दो लूप को क्या करना है आपको, एक वाले इस होल वाले होल में डाल देना है, एक दूसरे वाला जो लूप है उस वाले होल में डाल देना है। और इस तरह से निकालने के बाद में देखिए इसमें एक गार्ड बना देना अच्छी तरीके से, और यहाँ पे देखिए हमारे परफेक्ट फिट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इसके अंदर कोई तांबे का तार भी यूज़ करते ही नहीं, कि जो हमारा अर्थ वायर आता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादातर रस्सी का यूज़ करो इसके अंदर डालते हुए होल के अंदर। और कुछ इस तरीके से बनाने के बाद में इसको लास्ट गार्ड यहाँ पर लगा देंगे हम। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में एक टेप लेना है, और टेप के ज़रिए आपको जो है ना ये पूरा जो हमारे बाहर निकले दिख रहे हैं उसको कॉम्बाइन कर देना है एक में, और साथ में इस पर टेप मार देना है ताकि ये जो है खुले नहीं, अलग अलग ना हो। टेप लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा वो छोटी सी बारीक वाली जो रस्सी थी ना हमारी, तो उसके ज़रिए हम इसे बांध देंगे, और साथ ही यहाँ पे जो है वायर भी हम बांध देंगे। तो ये हमने लगा दिया, आप देखिए मैंने वो बारीक वाली रस्सी ले लिया, जो कि ये हमारी नीले कलर की, ये जो कि मेरे हाथ में आपको दिख रही होंगी। अब आपको यहाँ पे एक काम ये करना है, हमने यहाँ पे जॉइंट लगा रखा, आपको भी पता है, तो जॉइंट पे अगर आप तान आएंगे यानी कि वायर खींचे जाएंगे तो जॉइंट हमारा टूट भी सकता है, ठीक है ना। वैसे तो जॉइंट बहुत ज़्यादा मजबूत लगाता हूँ मैं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से पहले आपको बांध देना है नीचे, और जो बांधने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा जो हमारा बचता है वो काट देना है। उसके बाद में देखिए एक बीच में आपको यहाँ पर बांध देना है, और यहाँ पर देखिए इसके बाद में हमारा आ जाता है जॉइंट, तो जॉइंट के पास में आप बांधते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने दो जगह बांध दिया है, और मैं नीचे भी बांध रहा हूँ थोड़ा सा,
अभी देखिए हमारा इसके आगे आपको जॉइंट दिख रहा होगा, तो पहले हम यहाँ पे बांध लेते। देखिए हम जब मोटर भी डालेंगे ना तो हम जगह जगह भी बांध देंगे ताकि हमारा जो वायर है ना वो ढीला ना रहा है, अंदर पाइप के साथ में एकदम फिट रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन जगह अभी बांध दिया है। इसके आगे हम जो देखिए यहाँ पे आ गया जॉइंट, आप जॉइंट के आगे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से टाइट बांधना है। लगे तो आप तीन चार जगह बांध दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं चार जगह बांधने वाला हूँ, एक यहाँ पे बांध दिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे करके और बांध दिया। इससे क्या होगा, अगर आपका गलती से वायर खींच भी जाता है कुछ गलती से, तो आपका जो जॉइंट है वो टूटेगा नहीं या फिर मोटर में से जो है वायर उखड़ेगा नहीं। तो बहुत जगह क्या होता है मोटर में से वायर जो है वो उखड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो पूरे अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे बांध दिया है इसको। अभी आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। देखिए एक यहाँ पे मैंने बांधा है, एक इसके ऊपर बांधा है, पूरे यहाँ पे आपको देखते चल जाना है। खास तौर से जॉइंट के पास आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे भी आपको लगाना है। तो आपको इस तरह से पूरा जो है यहाँ पे लगा देना है। तो अभी जो है ना हमारा मोटर पूरा रेडी हो गया बोरवेल में डालने के लिए। तो आपको मोटर में बोरवेल में कैसे डालना है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ बोरवेल में, ताकि थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। और तो ये आ गए हम बोरवेल के पास में। अब देखिए मोटर को पहले आपको उठाना है, नीचे इसमें जो गलाटा लगा है पहले साफ़ कर लेना है, और हमारे जो बोरवेल का होल है उसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। एक बंदे को आप पाइप पकड़ने लगाइए, एक बंदे को आप रस्सी पकड़ने लगाइए, और एक बंदे को आप जो है वायर पकड़ने लगाइए। यहाँ पे आप तीन बंदे आप टोटल रख लीजिए यहाँ पे। और फिर आपको क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से मोटर आपको नीचे को डालना है, और साथ ही हम यहाँ पे वायर भी बांधेंगे। कैसा वायर बांधना है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी एक जगह बांध दिया है, आप जैसे ही हमारी मोटर अंदर डालना चालू है, तो चलिए हम ये मोटर अभी अंदर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 फुट या 15 फुट के बाद में रुक जाना है, और यहाँ पे एक जगह पे आपको वायर को बांध देना है। आपको पूरी जगह यहाँ पे यानी कि लास्ट तक पूरा डालते तक आपको मोटर क्या करना है, 15-20 फीट पे आपको बांधते चल जाना है। 15 फीट पे बांधिए आप या फिर 20 फीट पे बांधिए। अब देखिए मैंने पहले बांधा था, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाऊँगा 20 फुट के बाद में, देखिए मैं और एक बार इसको बांधूंगा। इससे क्या होगा ना, हमारा जो केबल है ना उसका वेट भी आधा आधा हो जाएगा, यानी कि एकदम पूरा तान नहीं आएगा, यानी कि वायर अगर टूट भी जाता है आपका ऊपर तो कहीं ना कहीं तो बंधा हुआ रहेगा, नहीं तो कभी क्या होता है वायर कट गया ना तो पूरा अंदर चल जाता है। सो चलिए मैं पूरा मोटर डालता हूँ, आप देखते जाइए। सो मोटर का देखिए यहाँ पे एंड आ गया, और आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा केबल है उसमें दो होल मिल जाएंगे आपको, जो बोर कैप है तो उसमें से आपको जो है केबल बाहर निकाल देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको केबल को यहाँ पे भी बांधना है अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए आपका डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे लूज वगैरह बांध दोगे ना तो आपका जो केबल है वो नीचे चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक जगह बांध दिया है, उसके नीचे एक बार और बांध देता हूँ, अच्छे मजबूत डबल करके बांधना है आपको, और यहाँ पे हमारा जो है वायर वो बन जाता है पूरा एकदम परफेक्ट। आपको क्या करना है, बोर कैप को वन साइड रहने के बोर के मुँह के ऊपर कट पर रख देना है वन साइड में, और हमारा जो रस्सी है अब रस्सी को हम जो है बाहर निकालेंगे। तो पहले रस्सी को मैं ले लेता हूँ। तो देखिए ये रस्सी का जो है मुँह है, तो आपको इसको क्या करना है, जो बोर का जो दूसरे वाला होल है बोर कैप का उसमें से आपको निकाल देना है, और बाकी की रस्सी जो है ऊपर को खींच लेना है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, रस्सी को गांठ लगा देना है, जैसा कि मैंने इसको देखिए पूरी ऊपर खींच लिया है। अब आपको यहाँ पे किसी के पकड़ने लगा देना है, और एक को बोलना है कि भाई गांठ बना दो यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे गांठ बना के लेके आ रहा हूँ, और पूरा गांठ बना के सामने की तरफ लेके आ जाना है ताकि हमारा जो है वो अड़ जाए रस्सी, देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए इस होल में से ये रस्सी जो है नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे लॉक हो गया। तो कुछ आपको इस तरीके से कर देना है। अब बाकी की जो ये जो हमारा ढीला था इसको पहले हम टाइट कर लेते हैं, बाद में फिर हम जो बाकी की रस्सी उसको लपेट लेंगे। तो आपको देखिए मैंने यहाँ पे पाना लेके आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे होस निप्पल है थोड़ा उसको टाइट कर देना है, बाद में हमारा जो नॉन रिटर्न वाले उसको टाइट कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको टाइट कर लिया है, और नॉन रिटर्न वाल वगैरह देखिए पूरा सीधा सा मैंने जो है वो सब कुछ लगा दिया है यहाँ पे, तो हमारा ये परफेक्ट फिट हो गया। उसके बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे रस्सी बची है चलिए इसको भी हम जो है बांध देते हैं। तो बोर के देखिए और एक बात, यहाँ पे जो बोर कैप है ना आप किधर भी 100 डिग्री से जो है घुमा सकते हो, 360 डिग्री मतलब किधर भी घुमा सकते हो उसको, किधर भी आप लेके जा सकते हो अपने हिसाब से। पहले तो हम ये बाकी के रस्सी का कुछ इंतज़ाम करते, इसी को इसी के ऊपर बांध देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से आपको बांधना है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, कभी रस्सी अगर आपका ऊपर से मुँह पर सटक भी गया ना तो यहाँ पर लॉक रह जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बाकी का एक्स्ट्रा रस्सी जो थी वो काट लिया, जितनी 10-20 फुट रखना था ऊपर रख दिया। ये मोटर को अब देखिए किधर भी घुमा सकते हो, यानी कि मूस का किधर भी घुमा सकते हो। अब चलिए इसके पैनल में हम वायर जोड़ते हैं। तो ये इसका देखिए कंट्रोल पैनल है, अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वायर कैसे जोड़ना है। तो ये हमारे बोरवेल के जो वायर है वो है, यानी कि जो मोटर में से वायर आ रहे वो है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पूरे वायर इसमें बिठा देता हूँ। अब देखिए मैंने वायर कैसे लगाया वो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पहले आपको लेफ्ट साइड में रेड वायर दिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जो कि सॉरी राइट साइड, हाँ लेफ्ट साइड में आपको जो
ये दिख रहा है हमारे सप्लाई के वायर है, उसके बाद में नीला है वो न्यूट्रल वायर है, उसके बाद में ये जो तीन कलर के वायर आपको दिख रही है हमारे मोटर के वायर है, ठीक है ना। तो RYB जिसको हमको रेड येलो और ब्लू बोलते हैं, ये मोटर के आपको कलर टू कलर यहाँ पे लगा देना है। और लेफ्ट साइड में ये जो दो वायर लगे हुए ये हमारे न्यूट्रल फेज यानी कि करंट के वायर है, यहाँ पे आपको देखिए लिखा भी मिल जाएगा। आप देखिए हमारा कंट्रोल पैनल है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कौन सी बटन का क्या काम है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है ऑफ बटन, अगर इस मोटर को ऑफ करोगे आप तो यहाँ पे इस बटन को दबाएंगे तो आपका जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन मिलता है जो कि ग्रीन वाला है, इसको अगर आप दबाओगे तो हमारा जो मोटर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपको मिलता है वोल्ट मीटर, यहाँ पे आपको वोल्ट शो होगा कितना आ रहा है। उसके नीचे आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, पैनल ऑन होने के बाद में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। उसके बाद में उसके बाजू में PVB नाम का एक बटन मिल जाता है, इसको अगर आप दबाओगे तो आपको वोल्टेज शो होगा कितना आ रहा है। उसके बाद में आपको नीचे एम्पियर मीटर मिलता है, जब भी आपका मोटर ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एम्पियर शो होगा मोटर कितना एम्पियर ले रहा है। अब चलिए इस मोटर को हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखें पहले PVB बटन दबा के देख लो तो वोल्टेज 200 आ रहा है हमारा। स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो हमारा जो मोटर है वो ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं मोटर के पास में आ गया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे 10-15 सेकंड वेट करना होगा। ये देखिए हमारा जो है मोटर में से पानी आ गया, यानी कि बोरवेल में से पानी आ गया। और यहाँ पे प्रेशर देखिए इस मोटर का कितना ज़्यादा है, कम से कम 20 फुट तक तो जा रहा है इसका धार इतना। और वो भी यहाँ पे वोल्टेज भी देखिए यहाँ पे 200 वोल्टेज है, अगर 200 से ज़्यादा रहता तो और भी ज़्यादा हो सकता आ सकता था इसमें प्रेशर, लेकिन कम वोल्टेज में ये मोटर चलता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मेरा तो फेवरेट मोटर है ये सुपर फ्लो कंपनी का, हमारे गाँव में बहुत ही कम मिलता है ये, मतलब 100 ग्रे का आएंगे ना तो कम से कम उसको 2-3 को ही मिलता है ये मोटर, क्योंकि महंगा भी है थोड़ा सा, मतलब यानी कि 8-9 हज़ार का ये मोटर है कुछ आसपास में। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैंने बंद कर दिया, दोबारा से हम इसे जो है ऑन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोबारा से हमने इसको ऑन किया, देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर है, तो देखिए हाथ को पूरा पीछे ले ले रहा है वो। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको मोटर फिट करना है, और आपने घर पे अपने बोरवेल किया तो अपने मोटर को फिट भी कर सकते हो खुद इस वीडियो को देख के, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कैसे फिट वगैरह करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर से बताइए मुझे, मैं ज़रूर से आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये चैनल पे जो भी लोग नए आए प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और मेरा एक सेकंड व्लॉग चैनल भी है जिसपे मैं ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही आपको मैंने जो इसके वीडियोस वगैरह बताया था जो भी आपको जॉइंट मारने का और पाइप बिठाने का, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके आप देख सकते हो मैंने आपको पूरा इस वीडियो में बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।